बेनीपट्टी अंचल के चंदपुरा गांव स्थित गणेश चौक पर गुरुवार रात के करीब 12:30 बजे के आसपास एक किराना दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा नकदी सहित सभी सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार चंदपुरा गांव निवासी सुरेश कुमार ठाकुर के किराना दुकान में आग लग गई, जहां गुरुवार की रात के करीब 1 बजे के आसपास संबंधित दुकानदार सुरेश कुमार ठाकुर को स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि दुकान में रखे 1,36,000 रुपए नकदी सहित सभी सामान जलकर नष्ट हो गए। कई लोगों ने बताया कि आग की लपटें तेज होने पर आसपास के लोग शोर मचाने लगे और अपने स्तर से आग बुझाने में जुट गए, लेकिन देखते ही देखते आग की लपटें बेहद तेज हो गई। इसी क्रम में अगलगी की घटना की सूचना अग्निशामक कर्मियों को दी गई, तो अग्निशामक कर्मियों ने अग्निशमन वाहन लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद अग्निशमन वाहन के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। वही दुकानदार श्री ठाकुर ने अगलगी की इस घटना में तकरीबन 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सामानों की क्षति होने की बात बताई है। वही खबर भेजे जाने तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका था। कैसे लग गया आग? कैसे लगा वो हमको नहीं पता है। जब हम आए लगा शॉर्ट सर्किट से लगा। कितने बजे? एक बजे हमको पता चला। हम अच्छा, एक बजे। कितने का सामान होगा इसमें? सामान होगा कम से कम 10 लाख से ऊपर का। कैश भी था? कैश था। कितना? 36,000। 36,000 कैश। कितने बजे दुकान बंद करके गए थे? 9:30 बजे। 9:30 बजे दुकान बंद करके गए थे। रात में 1 बजे पता चला कि आग लग गया। हाँ, यहाँ से फोन उन गया तब हम लोग आए। लगभग 1:05-10 पर आए थे। घर कहाँ आपका? मेरे गांव में। गांव में। भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास। बंगाल गोल्ड टी चाय, एक अनोखा मिश्रण कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।